कई सदियों तक लोग आपस में डिस्कशन किया करते थे और इस डिस्कशन का एंड रिजल्ट कभी संतोषजनक नहीं रहा। और इस डिस्कशन का टॉपिक था लायन और टाइगर में ज्यादा स्ट्रांग, पावरफुल और जंगल का असली राजा कौन है। कुछ शिकारी मानते थे कि बंगाल टाइगर बहुत खतरनाक होते हैं और कैट फैमिली में सबसे पावरफुल भी। वेल, दूसरी तरफ वे शिकारी जो अफ्रीका में शिकार किया करते थे, उनका मानना था कि लायंस कैट फैमिली में सबसे पावरफुल होते हैं। और इसी डिबेट को एक सही सेटलमेंट देने के लिए 19th सेंचुरी के एंड में बड़ौदा के गायकवाड़ डायनेस्टी के महाराजा सयाजी राव ने एक फाइट को अरेंज किया। बारबेरी लायन, जिसका नाम एटलस था, जो अल्जीरिया और मोरक्को के बीच एटलस माउंटेन में पाया जाता था, और आदमखोर यानी मैन ईटिंग बंगाल टाइगर के बीच हजारों की तादाद में लोग इस लड़ाई को देखने के लिए इकट्ठा हुए, क्योंकि यह लड़ाई बहुत ही स्पेशल थी, क्योंकि इसमें यह तय होने वाला था कि जंगल का असली राजा कौन है। महाराजा सयाजी राव ने बारबेर लायन पे बैट भी लगाया था। तो दोस्तों, क्या होता है इस लड़ाई का अंत, कौन जीतता है, इन सभी सवालों को जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। और अगर आप पहली बार इस चैनल में आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जिस मैदान में यह लड़ाई होने वाली थी वह ऊपर से खुला हुआ था और चारों तरफ से लकड़ी की ऊंची दीवार बनाकर उस मैदान को घेर दिया गया था ताकि दोनों में से कोई मैदान छोड़कर भाग ना सके। और उन दीवारों में आयरन की शीट्स भी लगाई गई थी ताकि यह दीवार काफी मजबूत हो सके। इस मैदान का डायमीटर 50 फीट का था, यानी यह काफी बड़ा मैदान था इस लड़ाई के लिए। दोनों ही बीस्ट को अलग अलग सेपरेट पिंजरों में बंद करके अखाड़े में लाया गया। फिर जैसे ही अटेंडेंट ने अखाड़ा छोड़ा, दोनों ही पिंजरों को खोल दिया गया। फिर जो नजारा सामने आया वह काफी भयानक था। सबसे पहले आदमखोर बाघ यानी मैन ईटिंग बंगाल टाइगर बाहर निकला, फिर एटलस लायन जो एक बारबेरी लायन था। टाइगर की लंबाई 10 फीट तक थी और उसकी हाइट 4 फीट शोल्डर के लेवल तक, और उसके बड़े बड़े दांत और पंजे उसे बेहद खतरनाक बना रहे थे। लोगों ने उस टाइगर से पहले इतना बड़ा मैन ईटिंग टाइगर कभी नहीं देखा था। फिर सामने आया एटलस जो एक बारबेरी लायन था। उसकी ऊंचाई टाइगर से थोड़ी ज्यादा थी, साथ ही घने और लंबे मैन यानी अयाल एटलस को एक भयानक बीस्ट बना रहा था जो किसी भी क्षण हमला कर सकता था। बारबेरी लायन की बंगाल टाइगर से इसीलिए लड़ाई करवाई जा रही थी क्योंकि एशियाटिक लायंस बंगाल टाइगर के सामने काफी छोटे थे और उस वक्त बारबेरी लायन सबसे बेस्ट ऑप्शन था एक फेयर फाइट के लिए। दोनों ही बीस्ट काफी भूखे थे क्योंकि लड़ाई के कुछ दिनों पहले से ही उनके डाइट्स में थोड़ी कमी कर दी गई थी और एक दूसरे को देखते ही हमला करने के लिए बेचैन हो रहे थे। लड़ाई शुरू हुई और 5 राउंड तक लड़ाई चली, जिसका अंत ये हुआ कि टाइगर ने बहुत ही बेदर्दी से एटलस लायन की जान ले ली। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें और कमेंट में यह बताएं अगली वीडियो में आप किस दो जानवरों के बीच लड़ाई देखना चाहते हैं और या फिर किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। और गाइस, अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। Facts Phylum brings you the most amazing and unrevealed facts from the animal kingdom. Subscribe the channel.